अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खुशामदीद कहती हूँ आप लोग को अपने चैनल के यूके स्टोरीज में। आज जो कहानी आप लोग के लिए लेकर आई हुई खौफनाक कहानी है, इस कहानी का नाम है आसेब। तो आइए कि सुनते हैं और जानते हैं कि ये कहानी क्या है। बचपन में देखे गए ख्वाब और बीती हुई हकीकत में ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों पर कभी यकीन किया जाता है। बच्चे के तमाम सच इस पर गुजरे तमाम वाक़यात वहम करार देकर इस पर बीती अज़ियत को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। माँ बाप की बच्चों से मोहब्बत को टटोलना तो गुनाह के ज़मरे में आता है, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जिनकी अपनायत, एहसास और प्यार में कोई बात शामिल नहीं होती। बच्चों के नन्हे जहनों में जन्म लेने वाले सवालों के तमाम जवाबात का जिम्मे भी वालिदैन के पास होता है। जब माँ बाप भी बच्चों पर गुजरी हौलनाक रातों को मजाक समझें तो बच्चों की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। शहरोज का बचपन आम बच्चों की तरह ही था। बहन भाइयों में सबसे छोटा, सबसे लाडला और सबसे ज़्यादा शरारती तो था ही, इसके साथ साथ नए नक्श के अतबार से भी वो गैर मामूली खूबसूरत और हसीन और जमील बच्चा था। इसका दिन तो सब बच्चों की तरह खुशगवार गुजर रहा था, मगर इसकी रात आम बच्चों की तरह हरगिज़ नहीं थी। जमील अनवर की नौकरी, इनकी तनख्वाह इतनी थी कि इनका गुजर बसर बसानी हो जाया करता था। एक मेहनती, ईमानदार और बाउसूल इंसान थे। इनका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक मशविकाना भी था और दोस्ताना भी। इनकी नौकरी बेहतरीन अंदाज में चल रही थी। जब इनका ट्रांसफ़र कस्बे असीमगढ़ में हुआ, इनको महकमे की जानिब से एक बड़ा घर मिला था। जब इनका सामान, इनकी कुल मता, इनके बच्चे और बीवी घर में पहुंच रहे थे, तब इनके कानों से कुछ ऐसी आवाज़ें टकराईं जो इस घर के मुतालिक थी। घर का नक्शा कदीम तर्ज का था। घर के गेट से दाखिले के बाद सबसे पहले कॉलेज आता, इसके साथ बेनी तरफ एक लॉन आता। किराज का खात्मा इस दरवाजे से होता जहाँ से घर का अंदरूनी हिस्सा शुरू होता। कमरों का एक जाल नजर आता। सबसे खास बात आखिरी वो कमरा जिनकी खिड़की घर की पाए बाग में खुलती नजर आती। बाग जरूर कभी बाग रहा होगा, मगर सफाई के बाद भी इसकी हालत में खास तब्दीली वाकया नहीं हुई थी। बाग के साथ बनी दीवारें कब्जे नीचे होने की वजह से घर के पिछले हिस्से का वीराना साफ नजर आता था। बरगद का दरख्त दिन के वक्त तो छाँव का जरिया महसूस होता था, मगर रात का मंजर तो ऐसे लगता जैसे हजारों साल से जिंदा कोई रूह अपनी खुलियों में भरे वहशतनाक चेहरे के साथ अपने एक गेट के माहौल पर नहुसत बंद कर नाजिर होने को तैयार बैठी हो। दूर से वो कोई ऐसी चुड़ैल लगती जिसके सारे वजूद में सैकड़ों इंसानों का लहू शामिल हो। कमरों की तकसीम के वक्त शहरोज और इसके सबसे बड़े भाई को आखिरी कमरा मिला। शहरोज को अक्सर ख्वाब ऐसे आते थे जिसकी समझ से बाहर तक होते। वो अपनी नन्हे और मासूम बहन को 10 साल की उम्र में चलाने की भरपूर कोशिश करता, मगर इसको कभी जवाब न मिल पाते। सर्दियों की एक रात जब ठंड और कहर की शिद्दत से इंसानों के साथ साथ सारी कायनात रुकी रुकी लग रही थी, अचानक शहरोज की आँख खुल गई। उसकी नज़र के सामने खिड़की और खिड़की से नजर आता मनहूस बरगद साफ नजर आ रहा था। जमील अनवर ने ये बात करके तमाम रात से छुपा रखी थी कि यही बरगद अजीब और गरीब वाक़यात के लिए मशहूर है। शहरोज ने बरगद के दरख्त की मरियल शाखों पर कोई चीज़ देखी जिस पर इसका पहला गुमान किसी इंसान का था, मगर इंसान दरख्त पर इस तरह नहीं चल सकता है, न उतर सकता है। अचानक वो अजीब और गरीब इंसान नुमा चीज़ दीवार के ऊपर चढ़कर बाग में उतर आई। शहरोज साफ देख सकता था, वो चीज़ चल नहीं रही थी बल्कि हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थी। 9 फीट के करीब इसका कद इंसानों जैसा वजूद, मगर चेहरे के नक्श न समझ में आने वाले हाथ, बड़े बड़े पैर टेढ़े भद्दे और जमीन से कुछ बुलंद। आंखों में ऐसी वहशत और दीवानगी थी कि जिसको देखकर नन्हे मासूम शहरोज का दिल सहम गया। खिड़की के सलाखों से वो इस तरह गुजर गया जैसे वहां से कभी सुराख रही ही ना हो। शहरोज की सांसें बुलंद हो चुकी थी, इसका जिस्म साकित हो चुका था। उसने पूरी ताकत सिर्फ करके अपने साथ लेते भाई को आवाज़ दी, मगर उसकी आवाज़ इसके हालत से ना निकल सकी। वो हाथ उठाना चाहता था, मगर ये भी ना हो सका। इसके माथे पर सर्दी के मौसम में पसीना आ चुका था। वो अजीब चीज अब जैसे नींद रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके पैरों की तरफ से बिस्तर पर चढ़ आई। डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। यह आवाज शहरों के कानों से टकराई। ऐसा लगा जैसे हजारों फीट के गहरे कुओं से बेखमक लातादार इंसान एक साथ चीख रहे हों। चीखता तो शहरों भी चाहता था, मगर इसका वजूद जैसे उसके ख्याल से ही निकल चुका था। अजीब चीज की करहात अमीज आवाज फिर आई। मैं तुमको कुछ नहीं कहने आया, मगर ये बाग, ये बरगद, ये घर, ये कमरा हमारा है। इसको छोड़ दो, यहाँ मेरे बच्चे हैं। जा, उधर से चला जा, इसे खाली कर दे। रात का परहूर सन्नाटा, जब सांस की आवाज भी दूर तक सुननी ना जा सकती थी। ये बला बोल रही थी, मगर इसको सुनने के लिए नन्हे शहरों के अलावा कोई ना था। बला के चेहरे पर गुस्सा नहुसत मजीद गहरा होता चला जा रहा था। अचानक इसने अपना हाथ उठाया। शहरों की जान निकलने वाली हो चली थी, मगर वह चीज हैबतनाक चीज वापसी के लिए मुड़ गई। खिड़की के पास पहुंचकर एक नजर के लिए इसने मुड़कर देखा। इसका चेहरा खून आलू था। फिर वो बाग में उतर गई। शहरों पर जिस्म भीग चुका था। इसके रोंगटे खड़े थे। वो कब सोया या बेहोश हुआ वो नहीं जानता था, मगर इसकी आंख सुबह खुली वो रात की हकीकत को भूल नहीं पा रहा था। मगर बीती हकीकत को साबित करने के लिए इसके पास कुछ नहीं था। अम्मी जान, मैंने रात बाग में कोई चीज देखी। तुम्हें कमरे में आकर बिस्तर पर बैठी थी। इसका चेहरा बहुत बुरा और खून से भरा हुआ था। शहरोज ने किस्सा माँ के गोश्त गुजार कर दिया। माँ पुराने दौर की भूत प्रीत पर यकीन रखने वाली साधारण खातून थी। वो फौरी अपने शौहर के पास पहुंची और सारा वाकया बयान कर दिया, जिसको सुनकर वो हंसकर टाल गए। दिन तो कर गया, मगर रात कहाँ गुजरती। रात के आखिरी पहर अचानक शहरोज हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो जैसे ही उठा, इसकी टक्कर किसी वजूद से हो गई। इसकी आंखें जब खुली तब इसमें दो खौफनाक आंखें, जिनमें मौत किसी संजीदगी और कहर नजर आ रहा था, इसको घूर रही थी। वो चीख उठता, मगर इसके बस में तो इसका अपना जिस्म भी नहीं था। इसके बिस्तर पर इसके सामने इससे 2 कदम की दूरी पर ऐसा वहशतनाक चेहरा नजर आ रहा था, जिसको फिर देख पाना भी इसके लिए मौत की मानी था। इसके जिस्म से निकलती जान जा रही थी। वो बेबस परिंदे की तरह था, जिसके पर काट कर इसको बिल्ली के आगे डाल दिया जाए। इस अजीब मखलूक ने हाथ आगे बढ़ाकर शेर उसका हाथ थाम लिया। इसको अपने बर्फ हाथों में किसी लम्स का एहसास हुआ। यह आखिरी एहसास था। इसके बाद इससे अपनी सुबह होश आया। इसने वो दिन खामोशी से गुजारा। रात को सोते वक्त बड़े भाई से अपना मर्दा बयान किया, जिसने छोटे भाई को प्यार से सुला दिया। मगर रात के किसी पहले शेरोज ने अपने माथे पर कुछ महसूस किया। वो जल्दी से जाकर इसके चेहरे से जरा सा ऊपर वही नहुसत इसको खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। शहरोज के देखते देखते वो बिस्तर से उठा और खिड़की से बाग में चला गया। इसने शहरोज को अपने पास आने का इशारा किया। शहरोज मशीनी अंदाज में था। अभी वो खिड़की के पास पहुंचा ही था कि उसके बड़े भाई ने उसे आवाज दी। अचानक ये तसव्वुर खत्म हो गया। शहरोज हैरान और परेशान खड़ा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो खौफजदा भी था और अजीब सी कश्मकश में भी था। बड़े भाई ने फौरन उठकर इसे गले लगा लिया। वो साफ महसूस कर रहा था कि शहरोज की हालत मामूल से हटकर है। वो पसीने में भीगा हुआ था। इसने बात करनी चाहिए, मगर शहरोज की तो जैसे आवाज़ कहीं हो गई थी। अगर इस वक्त जब नसीम बेगम तक ये किस्सा हो जाए तो माँ का तो जैसे कलेजा मुँह पा गया। इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। शोहर बात सुनने को तैयार नहीं था। बेटी की हालत और ये अजीब वाकयात उसको परेशान किए जा रहे थे। जब काम वाली माई आई तो नसीम बेगम ने उससे पूछा कि क्या शहर में कोई नेक नाम बाबा या फकीर है जो कि अल्लाह वाला हो? इसको एक और मसला दरपेश है, मगर उसे एक नेक बुजुर्ग को बताना चाहती है। काम वाली मासी ने फौरन से चंद पते लिखवा दिए। स्कूल से वापसी पर नसीम बेगम शहरोज को अपने साथ लेकर एक बुजुर्ग के पास पहुंची। बुजुर्ग के अस्तफसार पर शहरोज ने मुकम्मल किस्सा बयान कर दिया। बुजुर्ग ने चंद अमल करके तसल्ली के साथ इसको वापस कर दिया। शाम के वक्त शहरोज खेलता खेलता बाग की जाने जा निकला। बाग इस वक्त उदास उदास लग रहा था, जैसे इसकी कोई सुहानी चीज से छीन गई हो। शहरोज ने पिछली तरफ का छोटा दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इस तरफ उजाला भी कम ही आता था। खाली उसे वीरानी से आगे दरख्तों के झुंड थे। जिनकी तरफ किसी का गुजर ना था। मेकानी आवाज में गुमसुम खैरों से स्पेरान की जाने चल रहा था, जैसे कोई अनजानी ताकत से बुला रही हो। जब वो दरख्तों के झुंड के अंदर पहुंचा, इसे किसी की आवाज सुनाई थी, जैसे कोई सरगोशी के अंदाज में कुछ बड़बड़ा रहा हो। वो आवाज की जानिब चल पड़ा। थोड़े फासले पर से एक अजीब मखलूक बाबा नजर आया, जो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। इसका लिबास जगह जगह से तार था। इसने शहरोज को इशारे से अपने पास बुलाया। शहरोज खामोशी से चलता हुआ इसके पास पहुंच कर बैठ गया। इसने शहरोज के सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, जा यहाँ से, वापस चला जा। शहरोज को जैसे होश आ गया। वो गिरदो पेश को देखकर घबरा गया। इसने घर की जानिब दौड़ लगा दी। भागता भागता घर के दरवाजे पर पहुंचा। जब पलट कर देखा तो वहां कोई नफ्स मौजूद नहीं था। वो रात और अगली कई रातें पुरसुकून अंदाज में गुजर गईं। फिर एक रात जब सब लोग शहरोज की जानिब से मुतमईन हो चुके थे, अचानक शहरोज जाग गया। बाहर में कुछ शोर था। इसने कमरे से मुंह बाहर निकाला। खिड़की से बाहर कमरे से साफ नजर आ रहा था। शहरोज खामोशी से उठकर खिड़की के पास आ गया। बाहर वो अजीब बला जैसे कोई खेल खेल रही थी, एक तरफ से दूसरी तरफ भागती फिर रही थी। अचानक इस वाले ने छलांग लगाकर खिड़की पर हमला कर दिया। शहरोज के मुंह से चीख निकल गई, मगर उसकी आवाज कहीं दब चुकी थी। वो खौफनाक बला इसके सामने से जैसे गायब हो गई। वो हैरत अंगेज अंदाज में सारे बाग में देखता रहा, मगर नाकाम रहा। वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि इसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर पर वो मनहूर बड़ा जमान थी। इसके बेरहम चेहरे पर ऐसी कैफियत थी जिसको अल्फाज में अदा नहीं किया जा सकता था। इसका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके पहिया चेहरे से खून के लोटले गिर रहे हों। शहरोज हराम से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। माँ बेटी की हालत देखकर जान चुकी थी कि कुछ भी ठीक नहीं है। शोर से फिर बात हुई, बात बहल तक गई, मगर नतीजा कुछ न निकला। माँ का दिल मोम का होता है तो इरादा फौलाद का। हानिफ ने जोरों बाजू पर अंसार करके बेटे के इस मसले को हल करने का सोचा। अपने भाई को बुलाकर के सामने सारा मदा बयान किया। भाई ने सारा आवाज सुना तो एक मशवरा दिया, आपस को फौरी वादी सीजन ले जाना चाहिए। वहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वहाँ जाकर जरूर इस मसले का कोई मस्बत हल निकलेगा। वक्त सफर बांध कर 6 घंटे के तवील सफर के बाद बिलाखिर नसीम बेगम अपने लगते जिगर को लेकर मंजिल पर पहुंच गई। बाबा जी तक रसाई हुई, मसला बयान किया। बाबा जी ने बच्चे को देखा और फिर बच्चे की कही गई दास्तान पर सच की मोहर लगा दी। कुछ पढ़ कर दिया, कुछ तावीज़ दिए, कुछ दुआएं की, कुछ अमलियात किए। अगले दिन नसीम बेगम मुतमईन अंदाज में घर पहुंची। इनको अब सुकून था कि मसला हल हो जाएगा। जमील अनवर ने इस वाक़े को खामोशी से सुना, मगर खास रद्दमल ना दिया। वो किसी गहरी सोच में पलक थे। भूत परी का यकीन ना होने के बावजूद इनको अपने बेटे की हालत नजर आ ही रही थी। शहरोज दिन ब दिन कमजोर हो गया था। वो हर वक्त सहमा परेशान नजर आता। इसके खेल बंद हो गए थे। इसकी शरारतों की जगह तवील खामोशी ने ले ली थी। उठते बैठते आते जाते इसको वो मनहूस बला नजर आ जाती। इसकी आंखों में बेशुमार सवाल लिखता, कभी इंतकाम की आंख देखता, कभी खून देखता, मगर ये सबसे इसको नजर आता। एक रात सर्दी अपने उरूज पर थी। धुंध की चादर ने हर चीज को छुपा दिया था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। शहरों बिस्तर पर खामोश लेटा छत को घूर रहा था। जब उसने छत से दीवार की जानिब कोई साया रिंगते दिखा, इसका खून खुश हो गया। साया दीवार से जमीन पर उतर आया। देखते देखते साया ने जिसम की शक्ल ढाल ली। वही चेहरा, वो करायत, वो गुस्सा, वही नफरत शहरोज के सामने थी। शहरोज बेहोश नहीं हुआ, मगर इसके रौंदे खड़े थे। सर्दी में जब जिस्म जम रहे थे, इसका जिस्म पानी छोड़ रहा था। वो बला आहिस्ता आहिस्ता चलती या घसीटती हुई बेड के पास आ गई। इसने जब लग खोले तो बदबू का एक थप्पा शहरोज की नाक से टकराया। शहरोज बस बुत बना इस मनहूस बला को देख रहा था। इसके पाँव जमीन से यूं बुलंद थे जैसे वो महू परवास हो, मगर घसीटता भी साफ महसूस हो रहा था। हाथों की बनावट आम इंसान हाथ से अलग थी। हाथ ऐसे थे जैसे गोश्त को पीसकर छोड़ दिया गया हो। खून आलूद हाथ गोश्त के बड़े बड़े लोटले महसूस हो रहे थे। इसका चेहरा आधा नजर आ रहा था, मगर आधा भी ऐसा जैसे किसी ने कुल्हाड़ी के वहां से इसे दो हिस्सों में तकसीम किया हो। इसके चेहरे के नजर आने वाले हिस्से में एक आंख नजर आ रही थी, जिससे आंख निकलती महसूस हो रही थी। जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगा। अचानक इसके खुले मुंह से आवाज निकली। ऐसा लगा जैसे किसी तारीफ कुएं से किसी को ज़िबा किया जा रहा हो। आवाज दूर से आती मगर चीखती हुई आ रही थी, तुम मेरी बात सुनो, तुम सबको वही करना होगा जो होता आया है, वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। शेरोज पत्थर के भूत की तरह बस अपने अंजाम को देख रहा था। इसका जहन मासूम था, मगर सामने खड़ी अजीब मौत का मंजर इसको अंदर तक हिला रहा था। एकदम हवा के झोंके से खिड़की के दोनों पद खुले। खिड़की से कोई अंदर कूदा। चलने की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे वजनी सामान जमीन पर घसीटा जा रहा हो। एक लम्बी बाद शेरोज के बिस्तर के इर्द गिर्द दो अजीब मखलूकात चीजें खड़ी थी। इनके हाथ बढ़ना शुरू हुए। बढ़ते बढ़ते वो हाथ शेरोज के गले तक आ गए। जब शेरोज को शायद दिन निकल चुका था, खिड़की खुली थी। इसको गर्दन से अजीब सी गंदी बदबू इसकी नाक तक आती महसूस हो रही थी। वो था इसने फर्श को मुख्तलिफ निशाना देके। इसके बिस्तर से गंदी बरसात उठ रही थी। वो जल्दी जल्दी नहाने गया। शावर के नीचे जब वो खड़ा हुआ, पानी इसके जिस्म से जब टकरा कर नीचे गिर रहा था, इसे ऐसा लग रहा था जैसे साल बाकी में गंदगी फैल रही हो। हर तरफ गोश्त के खून आलूदा लोथड़े बिखर रहे हों। वो इससे कब्र के चीख मारता सब गायब हो गया, ऐसे जैसे सब नजर का फरेब था। नहा कर नाश्ते की मेज पर आया। इसको हर तरफ से अजीब सी गंदगी का एहसास हो रहा था, मगर कुछ भी समझने से काफी था। माँ बेटी की हालत जान चुकी थी। वो चुपचाप इसे देखती रही। सर्दियों की छुट्टियां तो हो चुकी थी। शेरोज, इसकी माँ और सब भाई अपने मामा के पास चले गए। एक हफ्ते मजे से गुजार कर नसीम बेगम ने घर की राह ली। घर पहुंची तो ऐसे लगा जैसे वो घर सर्दियों से कभी साफ नहीं हुआ। आज पड़ोस के लोगों से जमील अंदर का पूछा तो पता चला वो 3 दिन से अस्पताल में है। हर कोई हैरान और परेशान था। सब फौरी अस्पताल पहुंचे। जमील अंदर कोई बिस्तर पर पड़े पाया। वो बीमार, कमजोर और लापर नजर आ रहे थे। नसीम बेगम दिल का हाल जान चुकी थी, इसलिए बस खामोशी से आंखें बहाती अपने शौहर के पास बैठकर इनका हाथ थाम दिया। मैं नहीं जानता नसीम बेगम, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरी ये हालत कैसे हुई, मैं यहाँ कैसे आया, मगर शेरोज की हर बात सच थी। फिर वो खामोश हो गए। ना कोई सवाल हुआ, ना जवाब आया। 2 दिन बाद वो सेहतयाब हुए। फौरन घर पहुंचे, सामान उठवाकर लोड करवाकर बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आए। शेरोज मुड़कर देख रहा था। एक बूढ़ा बरगद के पास से देख रहा था। इसकी आंखें सिर्फ शेरोज को नजर आ रही थी। जमील अनवर के साथ क्या गुजरा ये एक राज रहा, मगर वो शेरोज के मसाइल को जान चुके थे और मसाइल का हल भी तलाश कर चुके थे। उन्होंने घर के साथ साथ शहर भी तब्दील कर दिया। वो मकान आज ही कभी कभी आबाद होता है, मगर चंद दिन बाद फिर इस पर वीरानी डेरे डाल देती है। बहुत से लोगों का तजस्सुस इनको वहाँ लेकर जाता है, मगर हमेशा सवाल पहले से बढ़ जाता है। हर सवाल का जवाब कभी किसी को नहीं मिल पाता। जिन पर गुजर गई वो हमेशा इस एहसास को अपने अंदर समो लेते हैं जिन पर बीता हो, मगर जो इस काज से ना गुजरा हो इसके लिए ये बस मजाक ही होता है, मगर ये कभी रुका नहीं। मासूम शेरोज अब जवान हो चुका है, मगर इसके बचपन के वो तमाम ख्वाब यह हकीकतें इसके जहन में महफूज हैं। गर्दन का निशान इसके तमाम दर्द ताज़ा रखता है, मगर वो पुरसुकून जिंदगी जी रहा है। उसे नहीं मालूम वो सब क्या था। क्या इसने अपनी जिंदगी में कुछ दिन ऐसी चीज़ों के साथ गुजारे जिनका किस्सा वो किसी को सुना भी नहीं सकता। सच था या झूठ, वो इसका अपना था, इसलिए वो हमेशा इसके जहन में जिंदा रहा। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अपनी राय से आप कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।